पारस था, जिस चीज को हाथ लगाता सोना बना देता। एक बेमिसाल हवाबाज, एक काबले तकलीद अफसर और सरबरा। नूर खान चकवाल के गांव टम्मन में पैदा हुए। 1941 में तकरीबन 18 साल की उम्र में उन्होंने रॉयल इंडियन एयरफोर्स में कमीशन हासिल किया। इससे पेशतर उन्होंने रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून में तरबियत हासिल की। जब वो स्कूल आए देहरादून, 6 साल हम स्कूल में इकट्ठे थे। 18 साल की उम्र में मैं चला गया मिलिट्री एकेडमी में और वो बाद में एयरफोर्स में शामिल, मैं भी आ गया एयरफोर्स में। एयरफोर्स में हम इकट्ठे रहे एक ही स्क्वाड्रन में। मैं रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज जो स्कूल था उसमें गया था, उसमें ये भी होते थे, हालांकि मुझसे 6-7 साल पहले होते थे, कंटेम्प्रेरी नहीं थे, लेकिन उनकी शोहरत बहुत थी वहाँ पर। नूर खान, अजहर खान, याकूब खान, ख़ास तौर से हम मुस्लिम बच्चे जो थे, 1/3 मुस्लिम बच्चे थे और ज़्यादातर हिंदू थे, कुछ सिख थे, कुछ क्रिश्चियंस भी थे। स्कूल बहुत बेहतरीन था, बड़ा मशहूर था और उसमें इनकी शोहरत यूँ थी कि ये सबसे बड़े कलर होल्डर समझे जाते थे स्पोर्ट्स में। क्याम पाकिस्तान से पहले उन्होंने दूसरी जंग अजीम में बर्मा के महाज पर भी दादे शुजात हासिल की। रॉयल इंडियन एयरफोर्स में उन्होंने नंबर 4 स्क्वाड्रन की कमांड भी की। 1949 में वो PAF एकेडमी रिसालपुर के कमांडेंट मुकर्रर हुए। कयामे पाकिस्तान से लेकर 23 मार्च 1956 तक पाक फजाइया रॉयल पाकिस्तान एयरफोर्स कहलाती थी। इस दौरान नूर खान मुख्तलिफ ओहदों पर तैनात रहे, जिनमें पिशावर, चकलाला और मारीपुर बेस की कमांड शामिल है। आपने एयर हेडक्वार्टर्स में बतौर डायरेक्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन खिदमात भी सर अंजाम दी। एयर कोमोडोर के ओहदे पर तरक्की पाने के बाद उन्हें असिस्टेंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑपरेशंस नंबर 1 ग्रुप की जिम्मेदारी सौंपी गई। आपने F-86 अमरीकी जहाजों को पाक फजाइया में शामिल करने के फैसले में कलीदी किरदार अदा किया और इसके अलावा पाक फजाइया के फजाई बेड़े में पिस्टन इंजन जहाजों को उस वक्त के जदीद जेट लड़ाका तैयारों से तब्दील करने का फरीजा भी कमाल महारत से सरंजाम दिया। जिस वक्त एयर मार्शल असगर खान फजाइया के सरबराह थे, उस वक्त नूर खान तमाम टेक्निकल ऑपरेशंस के इंचार्ज थे। वो एक बहुत जबरदस्त किस्म के प्रोफेशनल थे और उन्हीं वजह से जो एयरफोर्स की जो फाउंडेशन थी, ये उस वक्त से लेके आज तक कभी ये हिल नहीं सकती। आज भी उसमें वही ताकत है जो कि उसके अंदर जो रूह डाली गई थी और जो उसको प्रोफेशनलिज्म की एक स्पिरिट दी गई थी। पहले भी इसकी एयरफोर्स रिक्यूपमेंट हो रही थी, इन्हें इसको जारी रखा और बड़े अच्छी तरह एयरफोर्स की जो रिक्यूपमेंट प्रोग्राम था और चलाना था, बड़ी अच्छी तरह से अंजाम दिया। He became a model at that delicate phase in the development of the Air Force was a boon, and that boon could not be better place than
with the spirit that prevailed in the Air Force at that time. Jab Chion Lai Pakistan tashreef laye to Noor Khan ne American Thunder Scout ki tarz par ek squadron tarteeb diya aur is squadron ke saath dusre squadrons ko bhi fazai kartab aur fire part display ki mashqein karwayi. ये चार जब जहाज फॉर्मेशन एरोबैटिक टीम करतब दिखा गई वो चार से फिर सात हुए, लेकिन फिर नूर खान ने कहा कि ये भी काफ़ी नहीं है. अब पता नहीं ये और असर खान बैठ के क्या इनके दिमाग में सोचें आती थी, लेकिन हमें अगला ऑर्डर जो नूर खान साहब ने दिया उन्होंने कहा कि इसको आप 16 जहाज़ बनाएं, कि दुनिया में किसी ने 16 जहाज़ के साथ एरोबैटिक नहीं की. 7 या 9 की टीम जो थी वो रॉयल एयरफोर्स की थी, अमेरिकन्स की मेरे ख्याल में 6 की टीम थी. तो वहाँ से ये जो लूप हुआ था फिर 16 एरोप्लेन 16 जहाज़ का फॉर्मेशन एरोबैटिक लूप, किंग ज़ाहिर शाह की ही वो गेस्ट ऑफ ऑनर थे और सारी दुनिया के एयर एटेशे एम्बेसडर्स वहाँ मौजूद थे और लाखों लोगों ने वह शो देखा और दुनिया में एक रिकॉर्ड कायम किया गया जिसकी फ्लाइट मैगज़ीन जो कि अंग्रेज़ों का ब्रिटेन का सबसे बेहतरीन इनफैक्ट वर्ल्ड का सारी दुनिया में सबसे बेहतरीन एरोप्लेन फ्लाइट एंड एरोप्लेन मैगजीन था, उसके कवर पे उसकी तस्वीर आई थी कि दुनिया में पहला रिकॉर्ड कायम किया गया है इस यंग बट चीकी एयरफोर्स, कि किसी और ने उस वक्त तक ये काम नहीं किया था. तो ये सारी मोटिवेशन जो थी ये हमारे लीडरशिप से आती थी. 1959 में कौमी एयरलाइन में पै दर पै होने वाले सानिहों और माली मुश्किलात की वजह से नूर खान को PIA की सरबराही भी दी गई. कुछ ही अरसे में उन्होंने PIA को दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस की सफ में शामिल कर दिया और इसे एक मुनाफा बख्श इदारे में तब्दील करके पाकिस्तान की पहचान बना दिया. We set some objectives. Okay. ये बस, you know, basically, we have to compare ourselves with the best in the airline. That is a simple thing. And with that, things started, priorities started falling. Us zamane mein ek race thi. There was a race for the first jet airline. To hume pata tha ki ye log Air India wagara jo hai ye jet chalayenge aur phir we'll follow behind. To Noor Khan sahab ne he did a magic activity जो कि हमको तो मैजिक ही नज़र आती है कि एक दिन हमने देखा कि रनवे के ऊपर एक 707 बोइंग 707 जो कि बहुत बड़ा जहाज था उस ज़माने का, उसमें PIA का कलर लगा हुआ वो रोल कर रहा है. तो what he did was कि he took a बोइंग 707 on lease from Pan Am और वो उन्होंने बिफोर ऑल दीज एयरलाइंस वो चला दिया. तो वी स्टार्टेड फ्लाइंग 707s वेल बिफोर ऑल दीज एयरलाइंस इंक्लूडिंग ब्रिटिश एयरवेज, उनसे भी हम पहले आ गए. उन्होंने ये भी तारीख रकम की कि PIA को दुनिया की पहली एयरलाइन बना दिया जिसने हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू की. उस जमाने में ईस्ट पाकिस्तान में तो पानी था, सड़कें थी नहीं, फ्लड्स आ जाते थे, देयर वाज नो कम्युनिकेशन. So he came with his usual brainwave. He said, "Yeah, helicopter chalo." ये कारनामा भी एयर मार्शल नूर खान का है कि उन्होंने दुनिया की एयरलाइंस के लिए चीन का गेटवे खोला. वो खुद चीन गए और उस वक्त के वजीर आजम चुन लाई से मिलकर PIA का रूट तय किया. तो वहां जो पहली बैरूनी परवाज उतरी वो PIA की थी. नूर खान साहब के आने के बाद then we expanded. We started going to New York. तो हमारी लंदन New York फ्लाइट शुरू हुई. We started going to South Africa, Nairobi तक के. और यहाँ पे we went to Japan, we went to Bangkok, and we really became an international airline. जब उन्होंने पाकिस्तान सर्विसेज लिमिटेड की कियादत संभाली तो PIA और इंटरकॉन्टिनेंटल होटल्स को बामे अरूज पर पहुंचा दिया. या तो हो कि जी कोई होटल मैनेजमेंट का कोर्स करके आए हो, फौजी आदमी यू नो, और फाइटर आदमी एयरफोर्स का. और जब वो मैनेजमेंट की टेबल पे बैठता था तो ऐसे लगता था कि सारी उम्र इसने किसी मैनेजमेंट स्कूल से ट्रेनिंग होके आई. ग्रेट थिंग इज कि वही पाकिस्तानी हमारे
वही लोग थे जिनको आप बुरा इनफिशियंट फलाना थी, दे वर विद इन अ मैटर ऑफ सिक्स मंथ्स वन ईयर दे वर फ्लाइंग हाई। जितने होटल्स उन्होंने खरीदे थे तो पीआईए के लिए, तो अभी तक तो 150-300 होटल्स होने चाहिए थे, मगर जितने होटल्स वो छोड़ के गए थे वो भी कम हो गए। उन्होंने इंजीनियरिंग के शोबे को इतना फाल किया कि दूसरे मुल्कों की एयरलाइंस अपने जहाजों की मरम्मत के लिए पाकिस्तान आती थी। जुलाई 1965 में नूर खान को एयर मार्शल के ओहदे पर तरक्की देकर पाक फजाइया का कमांडर इन चीफ मुकर्रर कर दिया गया। उनके इस ओहदे का चार्ज संभालने के कुछ अरसे बाद ही मुल्क पर जंग के खतरात मंडलाने लगे। एयर मार्शल नूर खान कहने लगे कि जब मैं जुलाई 65 में जब मैंने टेक ओवर की कमांड एयरफोर्स की और एक बड़ी ज़बरदस्त फाइटिंग मशीन मेरे विरसे में आई और उसके बाद फिर जंग के आसार शुरू हो गए, एंड दैट वाज हिज वांट। वो तो ऑपरेशनल बंदे थे, वो तो कहते थे कि ये एयरफोर्स जो होती है ये फ्लाइंग क्लब नहीं है, इसको तो इस्तेमाल करना चाहिए। पाक सरजमीन को अपने बहादुर और नडर सपूतों पर हमेशा नाज रहा है। एयर मार्शल नूर खान ने इंतहाई कामयाब हिकमत अमली से इस जंग का पासा पलट दिया। वॉर से कोई एक दिन पहले उन्होंने डिसाइड किया कि जी एक स्टार फाइटर को भेजना है टू डू सोनिक बूम ओवर अमृतसर, ताकि इंडियंस को बताया जा सके विदाउट फायरिंग एनी बुलेट्स, विदाउट फायरिंग एनी रॉकेट्स, उनको डराया जा सके कि जी देखो हमें लाइटली नहीं लो, हम आ सकते हैं और बताए बगैर आ सकते हैं, सो माइंड योर बिजनेस एंड बिहेव योर सेल्फ। तो मुझे, मैं वो पायलट था तो मैं कश्मीर के ऊपर कैप कर रहा था, तो आई वॉज डाइवर्टेड बाई ऑर्डर्स ऑफ एयर मार्शल नूर खान एंड आई वेंट डाउन देयर एंड आई ब्रोक द साउंड बैरियर एट लो लेवल ओवर अमृतसर। And he came on the radio and he said, के काम हो गया है। मैंने कहा yes sir. He said, no, you make a second pass, second sonic boom. So I made a second sonic boom. And उसका effect ये हुआ कि Indian radio came up on the line and they said, के look, eight F-86s have come and have rocketed Amritsar. Whereas actually, it was a single starfighter. तो जो नूर खान साहब का ख्याल था कि इनको हैरस करना चाहिए और हम कर लेंगे विदाउट फायरिंग एनीथिंग, वो हो गया। 1965 की जंग में अपने से तीन गुना बड़ी एयरफोर्स को ना सिर्फ शिकस्त दी बल्कि उसे नाखून चने चबवाए। उन्होंने कई जंगी ऑपरेशंस में खुद स्क्वाड्रन्स की कमांड की। वो किसी भी फजाइया के पहले सरबराह थे जिन्होंने प्लानिंग के साथ साथ अमली जंगी फॉर्मेशंस में भी हिस्सा लिया। उन्होंने ग्रुप कैप्टन जाहिद भट्ट को कहा कि आज पहली सॉर्टी जो है आज रात को 12 बजे के बाद आप प्लान करें जो कश्मीर की वैली में जाएगी। टेक ऑफ करने से पहले कमांड इन चीफ कॉकपिट में चले गए और पायलट को कहा कि चलो, और इन्होंने नेविगेशन बहुत एक्यूरेटली और बहुत प्रोफेशनली करके ये वादी में पहुंच गए और उनके दोनों तरफ बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे जब वो वैली के अंदर गए थे और बड़े नज़दीक थे पहाड़,
तो एक बहुत डेंजरस, बहुत ख़तरनाक मिशन था ये। बहरहाल जब वो दिए हुए टारगेट के से कुछ वक्त पहले जब उन्होंने क्लाउड के नीचे आए, तो जब नीचे आए तो उन्होंने उसी वक्त देखा कि वो आग के जो दायरे बने हुए थे वो उनके जहाज़ के बिल्कुल नीचे थे। अब सवाल ये पैदा था, अगर वो सप्लाई ड्रॉपिंग उस वक्त शुरू करते तो वो कई मीलों जाके दूर गुजरती। और जाहिद भट्ट ने फिर फैसला किया कि ये मिशन जो है इसको अबेंडन करना पड़ेगा। लेकिन जो ही वो मुड़ने लगे, एयर मार्शल नूर खान ने कहा कि दोबारा करो ट्राई, और दोबारा आए। और इस दफ़ा उन्होंने आग को काफ़ी फासले पे देखा, और ये पाकिस्तान आर्मी की 12 डिवीजन की हिस्ट्री में है कि बड़ी एक्यूरेट ड्रॉपिंग हुई थी। वो बड़े ज़बरदस्त स्ट्रेटजिस्ट थे, वो इक्विपमेंट वेपन्स वगैरह को बहुत समझते थे और कायद बहुत अच्छे थे। तो ये तमाम जो खूबियाँ उनकी थी, इसकी वजह से आपने देखा कि एयरफोर्स जो थी बिल्कुल हावी हो गई, और पाकिस्तान की एक तरीके से नंबर वन सर्विस उभर के आई। और जिस किस्म से उसकी कारकर्दगी रही है दूसरी सर्विसेज की, इस मुकाबले में ऐसी नहीं थी। He was a unique commander, believed in upfront leadership. There was no attack on the army, organized air attack or ground attack supported by air. Something had happened in the Indian command that from the air point of view, it was silence, and our air force said, "Give us task, give us. We will do whatever you like. We command the air." पैंसठ की जंग के दौरान पाकिस्तानी फजाइया के कारनामे दूसरे मुमालिक के हवाबाजों के लिए एक मिसाल है। इंडिया पाकिस्तान की वॉर खत्म हुई तो उस वक्त अमेरिकन्स ने एम्बागो लगा दिया। एंड एम्बागो लगाने से यह हुआ कि F-86 जो थे उनको रिप्लेस करना पड़ा। एंड नूर खान साहब के जिम्मे ये सब कुछ लगा। 150 MiG-19s कॉल्ड F-6s उन्होंने चाइना से प्रोक्योर किए, और ना सिर्फ प्रोक्योर किए, उनकी मेंटेनेंस फैसिलिटीज़, उनकी शॉप फैसिलिटीज़, उनके स्पेयर्स, लॉजिस्टिक्स, उनकी ट्रेनिंग ऑफ पायलट्स, ये सब कुछ किया। और मेरे ख्याल 7 या 8 F-6 स्क्वाड्रन्स तैयार कर लिए विद इन 2 ईयर्स टाइम। स्ट्राइक एयरक्राफ्ट की रिप्लेसमेंट के लिए उन्होंने मिराजेस का कॉन्ट्रैक्ट करवाया। पाकिस्तान एयरफोर्स बिकेम एट द पिनिकल ऑफ इट्स पावर गेम। From the very day that they enter the service, which is professional, and that professionalism in the air is tested at even the most junior level, put to a severe test, not only of courage, but of initiative, of creativity, because you are you are alone in the aircraft, or maybe two of you. Ye advantage, which gives tremendous quality to the Air Force as a whole, that we cannot easily compete with. And somehow it goes along with the Pakistani temperament. Jo kuch bhi hai, hamara kamzoriyan bhi hain, wo hain, magar hamari kamzoriyon ka asar एयरफोर्स पर खुदा के फजल से नहीं रहा। 1969 में रिटायरमेंट के बाद एयर मार्शल नूर खान मुख्तलिफ हकूमती ओहदों पर फाइज रहे, जिनमें गवर्नर मगरबी पाकिस्तान, वजीर मेहनत व तालीम शामिल हैं। यहां भी उन्होंने एक माहिर हुक्मरान होने का सबूत दिया और अपनी इंतजामी सलाहियतों से बेमिसल क़यादत के अनमिट नकूश छोड़े। जब वो गवर्नर हो गए नूर खान साहब, तो पहला काम जो उन्होंने किया, और मेरे ख्याल में बहुत करेक्ट स्टेप था,
उन्होंने बड़े जो स्पेशलिस्ट थे और एमिनेंट स्पेशलिस्ट थे सिविल सर्वेंट और प्राइवेट सेक्टर के, उनको उसने आइडेंटिफाई किया और एक टीम बनाई जिसे विज किट कहते थे, ये नूर खान के विज किट्स हैं जी, तो वो उनके साथ देवर हिज एडवाइजर जी। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को के लिए बिल्कुल फॉरेन था, नई चीज़ थी, हमने ये कभी नहीं देखा था पहले। इनकी पाकिस्तान के लिए हिज फीलिंग्स ऑफ पाकिस्तान इन एवरी रिस्पेक्ट एवरी हर वक्त यही पता लगता था कि इनके ये दिल में और कुछ है ही नहीं सिवाय पाकिस्तान। हवा में हो, जंग में हो, अमन में हो, हर वक्त उनका ख्याल था पाकिस्तान के लिए। नूर खान वॉज एन आइकॉन जी, और उसमें एक तो टोटल डेडिकेशन टू वर्क, और दूसरी जो बात थी नूर खान में, ही वॉज ए मैन ऑफ ग्रेट करेज, बड़ा बोल्ड आदमी था और बहुत ही अनबाउंडेड वाइटैलिटी थी इसमें, अनबाउंडेड वाइटैलिटी का आदमी था। जो कहना था वो कहते थे, और ही वुड नेवर से एनीथिंग दैट ही कुड नॉट डू हिमसेल्फ। स्पोर्ट्समैन होने के नाते खेलों से उनकी कुदरती वाबस्तगी थी, यही वजह है कि स्क्वॉश, क्रिकेट और हॉकी को उन्होंने वो कुछ दिया जो बाद में किसी से भी नहीं संभाला गया। अगर उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया तो उन्होंने क्रिकेट का ढांचा दुरुस्त किया और पाकिस्तान की क्रिकेट को वो वकार बख्शा जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। He was very keen to pick up talent, and he had a very good sense of where talent was. वो इनकी जांच थी कि कौन कितने पानी में, कौन अच्छा खिलाड़ी है और कौन अच्छा लीडर है। ये जो झगड़ा होता था रोज कि अगर होम सीरीज हो गई तो टीम है उसको अक्यूज कर देते कि इन्हें चीट किया, तो इसको किसने ख़त्म किया? एमाशल ने, कि हमने इंट्रोड्यूस किया कि भाई न्यूट्रल अंपायर्स होने चाहिए। ये एयर मार्शल नूर खान का कमाल था कि वो इंग्लैंड से वर्ल्ड कप की मेजबानी छीन कर पाकिस्तान लाए। हमें याद है कि हम बैठ के हमने जो ऑफर दी थी ICC को वो कोई 13 पेज की थी, और इतने पैसे हमने ऑफर किए कि वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए और वो इंग्लैंड के मुंह से निकाल के लाए। ही ऑलवेज वांटेड सक्सेस, ही नेवर वांटेड टू सिट एंड से स्टेटस क्वो इज गुड इनफ। जब उन्हें हॉकी फेडरेशन की क़यादत सौंपी गई तो उनके दौर में हॉकी के तमाम एजाजात पाकिस्तान के पास थे। उन्होंने ना सिर्फ मुल्की सतह पर हॉकी को बुलंदियों से हमकनार किया बल्कि आलमी सतह पर भी नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा किया। नूर खान साहब ने जो प्लेयर्स किए हैं दे आर इन वेरी वेरी लार्ज नंबर हु आर लेजेंड्स, मसलन शबाज सीनियर, समीउल्लाह द फ्लाइंग हॉर्स, हसन सरदार। मुकाबला शुरू हुआ, हसन सरदार डी के अंदर और गोल। उन्होंने दो ऐसे इवेंट्स इंट्रोड्यूस कराए जिसने ओवरनाइट हॉकी को एक ट्रूली इंटरनेशनल स्पोर्ट बना दिया, और वो थे चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड कप। ये दोनों टूर्नामेंट उन्होंने इंट्रोड्यूस कराए, और इस वक्त ये दोनों टूर्नामेंट्स जो हैं ये हॉकी के एलीट टूर्नामेंट गिने जाते हैं। मेंबर ही नहीं थे इसके हॉकी फेडरेशन के, पहला था कि वहां बनना है, उसके बनने के लिए यू हैव टू बिकम द नेशनल, शो दैट यू कैन बिकम नेशनल चैंपियन। उसका यही देखना था कि हाउ डू वी गेट देयर, उसके बाद ऑटोमेटिकली था कि वी हैव टू गेट द वर्ल्ड कप। एयर मार्शल नूर खान की मेहनत और लगन की वजह से एक लंबे अरसे तक स्क्वॉश का खेल
पाकिस्तान की पहचान रहा। इंटरनेशनल स्क्वाश का अगर कोई कॉम्प्लेक्स बना था तो वो पाकिस्तान में बना था, दुनिया के अंदर, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में। और उसको इन्होंने बनाया था, और वो कॉम्प्लेक्स ऐसा था कि पीआईए का मियार स्काई में पहुंच गया। आई ऑलवेज ट्रीटेड दीज पीपल एज बाय इक्वल्स। एनीबॉडी हु हैज वन अ गोल्ड मेडल फॉर द कंट्री और ही इज सुपरमैन। जहांगीर खान वाज अ टोटल प्रोडक्ट ऑफ हिज। उसे 14 साल की उम्र थी जब उनको स्कॉलरशिप पे इंग्लैंड भेजा गया था, और फिर जो भी उन्होंने किया वो तो हिस्ट्री है। रामत ने इसकी जिम्मेवारी ली कि मैं इसको ट्रेन करूंगा और इंशाल्लाह आपको 2 साल में इसको तैयार करके दे दूंगा। एयर मार्शल नूर खान ने बहुत से फौजी और सिविल एजाजात हासिल किए, जिनमें सितारे पाकिस्तान, सितारे कायदे आजम, हिलाले जुरत और हिलाले शुजात शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने शाहउद्दीन की तरफ से ऑर्डर ऑफ इस्तेकलाल, लबनान के सदर की तरफ से कमांडर ऑफ नेशनल ऑर्डर ऑफ द सिडार्स, और डच हुकूमत की जानिब से ग्रैंड ऑफिसर इन द ऑर्डर ऑफ रेंज नासा विद सोर्ड्स हासिल किए। एयर मार्शल नूर खान की जिंदगी हरचंद के बहुत मसरूफ और हमा जहत थी, मगर फिर भी उन्होंने अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखा। उनकी शख्सियत का रखरखाव और इंसानियत से मोहब्बत आज भी उनके खानदान में असूल की तरह कायम है। We have always kept ourselves mainly in the background, looking after the children, looking after my house, and being supportive whatever the Air Marshal did. He never stopped us or my children doing what they want to do with their lives. He always supported whatever way he could, all of us in our way. चाहे उनको कितना भी हम सबसे प्यार हो, लगन हो, बहुत ज़्यादा थी, पर जब मुल्क का कोई काम आए, मसलन वो जब अब सॉटीज़ पे जाते थे, जब इस तरह के काम करते थे जो हम कहते थे भाई ये आपको करने की क्या ज़रूरत है, ज़रूरत है कि आप जाएं, आगे लोग जा सकते हैं, इस बात में वो उन्होंने कभी फैमिली की एक नहीं सुनी। वो कहते थे जो मेरा काम है, जो मैंने करना है उसमें वो मुझे करने दो। तो एक दो दफ़ा कहने के बाद हम भी चुप हो जाते थे, फिर जब पता चलता था कि उन्होंने कितना कुछ किया तो बड़ा फख्र होता था कि भाई उन्होंने किया। उन्होंने ना कभी किसी चीज पे मजबूर किया कि यही करो, वो कहते वही चीज करो जिसमें यू नो तुम्हारा दिल लगता है। जो भी पुराने चीफ्स थे मैंने उनको अपने घर में भी देखा है, वो एयर मार्शल को बुलाते भी थे, उनसे एडवाइस लेते थे, तो बड़ी क्लोज रिलेशनशिप रही है आई थिंक विद द पाकिस्तान एयरफोर्स। और जिस तरह आखिरी दिनों में पाकिस्तान एयरफोर्स ने उनका ख्याल रखा, स्पेशली जो करंट चीफ हैं उन्होंने और वाइस चीफ ने, आई कैन बी नथिंग बट एक्सट्रीमली ग्रेटफुल कि इतना उन्होंने एयर मार्शल के साथ उनका ख्याल रखा था। वो सिर्फ हवाओं के मुसाफिर ही नहीं थे, क़यादत और हुक्मरानी के राही भी थे। वो एक ऐसी शख्सियत थे जो पैदा होते ही हीरो और चमकते सितारे होते हैं, जिनके किरदार की महक और कामों की रोशनी से कौमों की तारीख ना सिर्फ दमकती रहती है बल्कि महकती भी रहती है, जो मर कर भी नहीं मरते, जिनका तस्करा कभी खत्म नहीं होता। हर एक आदमी को ये वक्त आता है कि वो एक्टिव होता है, फिर रिटायर होना पड़ता है, और रिटायर बनने के बाद ये भी है कि ही इज गॉट टू डाई।
मिलने के